Artist for an artist podcast. This is your host, Marshall 69 Doodler, and today's guest, the most talented Indian doodler. Thank you, bro. What's up? क्या कर चालू है आपके लाइफ में? सब ठीक है भाई. वैसे आपका असली नाम क्या है? आप रिवील करना चाहोगे? करूंगा जल्दी, अभी नहीं फिलहाल. अभी नहीं, ठीक है ठीक है. तो हमारा पहला क्वेश्चन है, टेल अस अबाउट योरसेल्फ. भाई मैं नागपुर का रहने वाला हूँ, नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है. और मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ फिलहाल. मेरे अभी अगले महीने बोर्ड आने वाले, उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ. इसलिए मैंने एक महीने का कुछ करने का नहीं सोचा अभी. आर्ट तो यही. Alright. मैंने 11th में स्टार्ट किया था आर्ट. बहुत लेट किया है. हाँ बहुत ज्यादा. तब तक गॉक्स नहीं था ना. गॉक्स से इंस्पायर हुआ हूँ मैं. गॉक्स को मैंने 1 million के बाद देखा था 2020 के लॉकडाउन में. हाँ. तब मैंने तब मैं एक्चुअली इंस्पायर हुआ था उससे, और फिर मैंने खुद का स्टार्ट किया. वैसे हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जब आर्टिस्ट आए वो लॉकडाउन के टाइम पे ही आए. वैसे भी आप देखो लॉकडाउन के बाद ना कम्युनिटी थोड़ा ऐसे कह सकते हैं वोक भी हो गई है और थोड़ी टॉक्सिक भी हो गई है. टॉक्सिक बहुत है. हाउ डिड यू स्टार्टेड आर्ट? 2020 में मैंने स्टार्ट किया था ये सब बनाना. पहले मैंने सेलिब्रिटीज को पकड़ा था, फिर मैंने कोई कोई आर्ट कॉपी किए थे. मैं कॉपी करके सीखा हूँ ऑनेस्टली. तो मैंने वैसे ही स्टार्ट किया था और आर्ट वर्क्स मैंने. हाउ डिड यू स्टार्टेड आर्ट? थोड़ा सा लंबा चलेगा, सॉरी. गलती होगी मेरी, तू भी वेला ही है ना. पढ़ाई तो होगी नहीं भाई, पढ़ाई कर ली है सब. मुझे पता था तेरा टाइप ना ऐसा ही कुछ होगा भाई. अबे नहीं, मैं बता हुआ देखो सुन, मैं तेरे को पता था थोड़ा सा. रुक जा अपने पॉडकास्ट से, मेरे को पता था चीज. मेरा शेड्यूल बताओ, तेरे को इंटरेस्टेड होगा तो बताऊंगा. अब ये भी डाल दूंगा पॉडकास्ट पे, अपने को क्या कंटेंट मिल रहा है. तू डाल सकता है, तू हिला वगैरह सकता है ना. मतलब कहाँ कहाँ डालना है वो तेरे को, वो तो कर लेना. अरे मैं बताता हूँ ऐसे सुन ना. मैं पता क्या मतलब कि ऐसे बातों बातों में अपनी बात हो जाएगी, लेकिन वो पॉडकास्ट के क्वेश्चंस में नहीं होंगी, समझ रहा है. मेरा शेड्यूल बताता हूँ मैं. सवेरे 7 बजे उठता हूँ, ठीक है. 7 बजे से फिर मैं पढ़ाई करता हूँ. अभी का शेड्यूल बताता हूँ. पहले का तो बहुत ज्यादा टाइट था. मैं 7 बजे उठता था और 8 बजे ट्यूशन जाता था और 4 बजे घर में आता था. और फिर 1 घंटा मैं सोता था, फिर मैंने खाया पिया और फिर मैं अपने पढ़ाई पे लग जाता था. फिर वो पढ़ाई 10-11 बजे तक चलती थी. फिर तब आर्ट करता था 1 बजे. फिर 1 से 3 बजे तक मैं आर्ट करता था. फिर 3 बजे से सोता था. फिर वैसे ही दूसरे दिन 7 बजे उठो, 8 बजे ट्यूशन जाओ, वही शेड्यूल था. वैसे मैं एक तरीके से बताऊं तो मैं भी अभी फ्री हुआ हूं. मतलब कैसे कहूं, अभी मेरी एग्जाम खत्म हुई, मेरे पास कुछ कंटेंट था नहीं. ये भी सही है ना, पॉडकास्ट वाला मुझे पसंद आया. हाँ ये कंटेंट की कमी थी मेरे पास. कंटेंट कमी नहीं, लेकिन ये कर भी नहीं रहा है कोई इंडिया में, मैंने देखा नहीं अभी तो किसी को. ये भी है, आर्टिस्ट का पॉडकास्ट कोई नहीं करता है. आर्टिस्ट और पता है मैं ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करता इंडियन आर्टिस्ट से, जो छोटे रहते हैं ना. वही मैंने देखा. हाँ वैसे क्यों नहीं करता मैं? कर रहे ना केश भाई भी कर रहे. हाँ इवन तूने मुझे भी देखा होगा कि मैं ज्यादा शाउट आउट नहीं देता किसी को, या फिर किसी के पोस्ट तक नहीं शेयर करता. वो मैं जानबूझ के नहीं करता, क्योंकि पता है क्या होता है, जो छोटे आर्टिस्ट रहते हैं ना उनको लगता है कि पोस्ट शेयर करने से ही सपोर्ट मिलता है. बट आज तक मेरे को किसी ने नहीं दिया शाउट आउट, नहीं दिया. मैंने किसी को मांगा भी नहीं. पहली बात मैं, अगर तू बोलेगा ना, मैं ऑर्गेनिकली ग्रो हुआ हूँ, सारा कुछ ऑर्गेनिक ही है. इंस्पायर्ड बाय एमवी पंटा है, समझ सकता है तू, सब कुछ ऑर्गेनिक है. सही में मैंने किसी को शाउट आउट नहीं मांगा आज. शाउट आउट मांगने से यार सपोर्ट नहीं मिलता. तुम करते रहो आर्ट और तुम्हें एक ना एक दिन तो सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है. यही सीन है यार. मतलब भाई आप इतना सब रैपर के करते हो, तो आपने कोई रैप लिखा होगा? नहीं, पर मैं रैप सुनता हूँ. एमवे बहुत सारे रैपर्स हैं और एक चीज, बहुत सारे काम भी आने वाले इन फ्यूचर में, इस साल. लेकिन हम अभी रैप सीन में देखे तो 2019 के मुताबिक अभी जो मतलब कहते हैं ना, जो सरवाइव कर गया कोरोना को कोविड के बाद, वो कृष्णा ही है. कृष्णा 2018 में जैसा था अभी भी वैसा ही है. हाँ दोनों, मतलब कि जो बीच के 2 साल थे ना, उसने बहुत ग्रो किया है. वो भी है, बहुत लिरिकली रैप लिखता है वो.
सही बंदा है वो, पसंद आता है, बट मैं उसके रैप इतने ज्यादा सुनता नहीं। आपको ये आइडिया कहाँ से मिला ये रैपर्स को ड्रॉ करने का? ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है मैं बताता हूँ तुझे, इसकी भी कहानी है, ठीक है। 2020 में मैंने नवंबर में सब स्टार्ट किया था। पहले मैंने यूट्यूबर्स को पकड़ा क्योंकि मुझे लगा कि यार यूट्यूब पे बहुत बहुत ज़्यादा स्कोप होगा और बहुत सारे लोग देख सकते हैं और व्यूज़ भी आएंगे, ठीक है पहले मैंने ये सोच के किया था। फिर मुझे पता चला कि यार बड़े यूट्यूबर्स का बनाऊंगा वो देखते भी नहीं है और कुछ अप्रिशिएट भी नहीं करते, डालना ये सब मैंने नहीं सोचा था, एक्सपेक्ट नहीं करता था, बट अगर वो देख भी ले तो अच्छा लगेगा, है ना। हाँ वो मैं ही हूँ, हर्ष बेनीवाल का फोटो ना, हर्ष बेनीवाल सोनू सूद है ना? ओ नहीं भाई, सॉरी सोनू सूद का नहीं बनाया मैंने, नो ऑफेंस, मतलब भाई वो सच में सोनू सूद जैसा लग रहा है नहीं बट वो हर्ष बेनीवाल है रे, मतलब उसी टाइम पे वो बस में सबको चला रहा था ना नवंबर के तक। सॉरी भाई, कैंसल वैंसल मत कर देना। नहीं नहीं, तो फिर नहीं क्या, मैंने एक मतलब रैपर्स का मैंने एक सुना था रैप, ठीक है, एमिवे का सुना था। एमिवे को मैं 2018 से जानता हूँ, जब रफ्तार और एमिवे की बीफ हुई थी ना, बीफ के बाद तब से मैं उसको जानता हूँ, ठीक है। तो मैंने उसको और एक रैप सुना, फिर मुझे बहुत पसंद आया, फिर मैंने उस पर एक आर्ट बना दिया टाइम पास के लिए, ठीक है, कोई इंटेंशन नहीं, मैंने टाइम पास के लिए बना दिया, ठीक है, फुल टाइम पास, ऐसा समझ तू। मैं रात को बैठा था, मैंने उसकी फोटो देखी, मैंने कुछ ना कुछ बना दिया और वो डाल दिया, और फिर मैंने वो स्टोरी डाली, फिर मुझे रात को उसका रिप्लाई आया डीएम में, एमिवे बनता है का? हाँ, उसने मुझे खुद से रिप्लाई किया था, उसने मुझे बोला, रात को 3 बजे किया, मेरे हाथ कांप रहे थे, ठीक है, सवेरे जब मैं उठा मेरे लिटरली हाथ कांप रहे थे यार, क्योंकि किसी ने रिप्लाई नहीं किया था। जस्ट मैं कितना 50 फॉलोअर्स का बंदा था यार, समझ रहे तू, 50 फॉलोअर्स का बंदा, किसी मतलब ब्लूटिक तो उसने देखा भी नहीं था डीएम्स में। फिर एमिवे का मुझे फर्स्ट रिप्लाई आया था, ठीक है, एमिवे ने बोला कि ये बहुत कूल डिजाइन बनाया तूने, बहुत ज्यादा मुझे पसंद आया, ऐसा एमिवे ने बोला मुझे। अभी तू एक बात सोच, तुझे तू एक बात सोच कि एमिवे को कितने सारे आर्टवर्क्स आते होंगे दिन में और रिप्लाईज आते होंगे, नहीं क्या स्टोरीज डालते होंगे, बट उसने मुझे रिप्लाई किया। 3 मिलियन वाला बंदा, 20 मिलियन उसके यूट्यूब पर है, हाँ नहीं नहीं, गेल से पहले भी मैंने एक बनाया था आर्टवर्क, और लिटरली एमिवे ने, हाँ लिटरली एमिवे ने उसे मेरा इंस्टाग्राम भी स्टॉक किया था उस टाइम पे, 50 फॉलोअर्स पे था। और एक चीज पता है क्या है, और एक मैंने लोका करके रैपर है, पता है? हाँ हाँ भाई, जानता हूँ जानता हूँ। हाँ वो उसका वो चैलेंज भी आया था ना, वो तेरे को मालूम क्या? हाँ, और उसकी भी स्टोरी बताऊंगा, ठीक है, तूने जो नाम बोला ना तेरे को मालूम क्या, उसका भी बताऊंगा, ठीक है। तो लोका का मैंने बनाया था, और उस टाइम पे उसने देखा, कमेंट कर दिया, स्टोरी डाली, और उसने डीपी भी रखी थी। वो आर्टवर्क मेरे लिए कुछ भी नहीं था उस टाइम पे, मतलब तू ऐसा बोलेगा ना क्या सड़ा आर्टवर्क बनाया और उसने डीपी रख दी, बट उसके लिए बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि वैसा आर्ट इंडिया में किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया था। बना सभी रहे थे वो आर्टवर्क, बट रैपर के रिलेटेड किसी ने नहीं बनाया था। फिर दो ऐसे मुझे मतलब बड़े बड़े रैपर्स ने नोटिस किया, तो फिर यार मेरे भी अंदर का शेर जाग गया और मैंने बाकियों के भी बनाया। फिर मतलब भाई एक बात कह सकते हैं, आपने ना राइट टाइम पे राइट चीज की है। हाँ, राइट टाइम पे बहुत ज्यादा राइट चीज की है, मतलब किसी ने किया नहीं था, और उसके आइडियाज पे भी काम किया मैंने। जैसे कि अगर कोई तू देखेगा ना आर्टवर्क, तुझे लगेगा कि हाँ भाई यही है, नहीं तो डूडल्स कैसे रहते हैं यार, गोल फेस बना दो, उसके आंखें बना दो, मतलब समझता ही नहीं है कि कौन है ये, समझ रहे तू। और एक है, और उसने उस टाइम पे भी फिर मुझे लोका ने भी रिप्लाई किया था कि आर्टवर्क बहुत ज्यादा सीख है तो मुझे भेज दे, उसने वॉलपेपर भी रखा था। और उसने मुझे उस टाइम पे जब मेरे 80 फॉलोअर्स थे, मुझे आज भी याद है 80 फॉलोअर्स थे, और उसने मुझे फॉलो किया था। मतलब भाई हम ये कह सकते हैं आपको स्टार्ट से सपोर्ट मिला है, बहुत बड़ी चीज है, सपोर्ट मिला बहुत ज्यादा, स्टार्ट से सपोर्ट मिला, और वो भी छोटे मोटे आर्टिस्ट से नहीं, उस टाइम पे उसके 150K थे फॉलोअर्स, ब्लू टिक भी था, ऐसे बोल सकते ना कि वो बड़ा था, और 50 फॉलोअर्स के लिए ब्लू टिक वाले बंदे ने फॉलो किया, वो बहुत बड़ी चीज होती है, उसको पूरा मोटिवेशन मिल जाता है ऐसा। मतलब भाई आप डिजिटल आर्ट्स कुछ करते हो?
नहीं, वो टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, लोगों को लगता है कि डिजिटल आर्ट ही काम करता है एज एन एल्बम कवर्स, नहीं बट है, मैंने वो आपने करके प्रूव कर दिखाया, दिया है। मैंने ट्रेडिशनली बनाया कुछ, और वो कुछ एल्बम कवर जो मैंने बनाया ट्रेडिशनली वो आज स्पॉटिफाई पे है, लोग सुनते हैं उसको। मतलब एक ट्रेडिशनल आर्टवर्क को मैंने डिजिटली कन्वर्ट नहीं किया, बट उसको ऐसे एडिट करता था कि वो सामने वाला बंदा बोलेगा कि यार ये डिजिटल आर्टवर्क है, और लोगों ने लिटरली उसको स्पॉटिफाई पे भी यूज किया है, इवन एमसी इनसेन ने भी किया है। मतलब भाई ये GRX क्या है, आपके हर आर्टवर्क में वो सबलिमिनल मैसेज जैसा लगता है। नहीं, GRX, जी से मेरा रियल नाम चालू होता है, और और से मेरा नाम चालू होता है, और उसमें आर भी आता है, और गॉक्स ने तो एक्स रखा था, तो मैंने भी बोला यार एक्स कूल लगता है तो डाल दो एक्स, ऐसे GRX बनाया था मैंने। मतलब मैंने जब चालू किया ना, मेरा नाम था मॉक्स, मॉक्स आर्ट। हाँ क्या? नहीं, हाँ मुझे सच पता में, नहीं रहता, मतलब मैंने बाद में मार्शल ट्यूटर से ही देखा तुझे। नहीं, ये आपने मेरे को, मतलब मैंने आपको देखा ना उसके कुछ दिन पहले ही मैंने नाम बदला था, हाँ तभी क्या? वो, हाँ वो आर्ट फ्रीक का तब उस और एक टाइम से। बात नहीं है, सभी अपने नाम पे रखते हैं, नहीं क्या नेम, बट मैंने इंडिया के नाम से रखा जानबूझ के, क्योंकि यार पहचान पहली चीज होती है, तो मैंने पहचान दे दी सबको कि यार मैं इंडिया से हूँ और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेसिकली, सो इट्स इंडियन डूडलर। भले मैं डूडल्स नहीं बनाता, डूडल्स मैंने बहुत स्टार्टिंग में बनाए थे, और बेसिकली मैं बोर हो गया था उससे, तो फिर मैंने कुछ डूडल कैरेक्टर्स करके एक नया जॉनर निकाल लिया, जिसमें मैं ट्रेडिशनल बनाता हूँ और उसे डिजिटल में एज अ कन्वर्ट करता हूँ बैकग्राउंड, और फिर मतलब वो उसको डिजिटल, लोग यूज मतलब आप करते वो हैं। बनाते हो IBA स्पिरिट नहीं, में, या बैकग्राउंड में बनाता नहीं हूँ, बैकग्राउंड को मैं एडिट करता हूँ, मतलब कहीं से जुगाड़ करते हो बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, बट मैं पिंटरेस्ट पे जाता हूँ, कोई अच्छा का? हाँ मतलब, बैकग्राउंड देख लिया हाँ मैंने, और फिर उसको उठाता हूँ, फिर कुछ एलिमेंट्स ऐड करता हूँ, मतलब ऐसा नहीं समझोगे कि यार ये बैकग्राउंड है, तो मैंने पहले भी देखा है, बट वैसा मिलेगा नहीं, क्योंकि तो उसमें बहुत एडिटिंग होती है, समझने को बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता था कि, सॉरी मतलब आपको बुरा लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता था आप ये बना लेते हो, बाद में आप वो PNG फाइल की तरह सेव करते हो उसे। नहीं, बैकग्राउंड में मैं बना था नहीं, बट वो जो आर्ट वर्क रहता है ना, उसको तूने जो बोला वो करता हूँ मैं। PNG फाइल मतलब ऐसे एग्जैक्टली ही सब हाँ, बट वो सभी नहीं कर सकते। कर सकते हैं। या देख लो, इसका मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, प्रॉपर वीडियो पूरा काट दूंगा, मतलब आप। ये सॉन्ग का है क्या? हाँ भाई पूरा सॉन्ग बनाया मैंने, ग्रेट स्टार्ट यार, मैंने तो कभी कभी फ्री में भी काम किए हैं, फ्री में। बहुत से, हाँ बहुत से काम मैंने फ्री में किए हैं, उसका भी रीजन बताऊंगा, वो एक स्ट्रेटजी रहती है, वो भी नहीं भाई, हर एक उससे पहले आप ने। ये, उससे पहले आप ये लोका वाला सीन बता दो। लोका वाला भी सीन बताता हूँ, लोका ने मतलब मुझे फॉलो किया था, ठीक है, और तब तुझे भी पता है मेरा आर्ट कैसा था, 50 फॉलोअर्स पे स्टार्टिंग में मैंने रखे, कुछ कुछ मैंने आरसीयू में डाल दिया, क्योंकि मुझे खुद को देख के हंसी आती है, इसलिए मैंने वो आरसीयू में डाल दिया, बट मतलब उसका उतना एक, भी बुरा नहीं है, उतना भी बुरा हाँ नहीं। लेकिन पहले थे मुझे हंसी आती थी यार, मुझे कैसा तो भी लगता था कि अभी के आर्ट वर्क देख के और पहले के आर्ट वर्क देख के, ठीक है, तो मैंने कुछ कुछ आरजे में डाल दिया, तो तब लोका ने मुझे मैसेज किया था, उसने अप्रोच किया बेसिकली मुझे मर्चेंडाइज के लिए, तब के टाइम पे जब मेरे 50 फॉलोअर्स थे, और इवन अभी तक, अभी तो मेरे नंबर है उसका मेरे पास, इसलिए आप तो देख सकते हो, लोग ये जो हिप हॉप कम्युनिटी को गालियां देते हैं, ऐसी चीज नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं, इवन आपको लोका बहुत को भी सपोर्ट बहुत किया है हेट इन्होंने, मिलता है, लोका को बहुत हेट मिलता है, बट वो क्योंकि वो बहुत कितना अच्छा सही आदमी बंदा है, है आप देख रहे हो। बहुत सही है, उसने मुझे आपने बहुत सपोर्ट उसको, किया है, हाँ वो बोल नहीं आपको सकता मैं। जानता भी नहीं था और इतना सपोर्ट किया है, हाँ, उसने ये मुझे सेकंड कितना। इसमें फॉलो भी कर दिया था, वो बहुत बड़ा मोटिवेशन था मेरे लिए एज अ बिगिनर आर्टिस्ट। सही है भाई, हाँ बहुत सही है। नहीं, नसीब हर जगह नहीं रहता, एक राइट टाइम पे राइट चीज की ना, तो सब हाँ सही वो भी होता है, राइट टाइम पे है। राइट। मेरे इवन को इस भी है, साल तो मैंने ये, बहुत कुछ हाँ आने वाला है, इस साल बहुत कुछ आने वाला है, मैंने बताया नहीं किसी मेरा को। इस साल कुछ नहीं आएगा, बोर्ड है इस साल। नहीं, मेरा बहुत कुछ आने वाला है, इवन तूने मेरा पैसा पैसा वाला आर्ट वर्क देखा, लोगों के लिए बनाया पैसा था मैंने, पैसा, हाँ हाँ, देखा देखा वो पैसा मैंने ही पैसा, बनाया, मतलब वो गंदी पारो ना, नहीं वो वो गंदी दूसरा, पारो तो, हाँ वो गंदी पारो तो मैंने ही बनाया, हाँ बट वो वो गाड़ी पैसा वाला। पैसा वाला जो आर्ट वर्क था
वो भी मैंने बनाया था। और इस साल NFTs भी आने वाली है मेरी। ये मर्चेंडाइज वाला एडिट बहुत सही लगा मुझे। हाँ मर्चेंडाइज इवन एक तो मोटिवेशन तुम सबको आ गया होगा जो मेरा पॉडकास्ट सुन रहा है कि हर जगह डिजिटल आर्टवर्क काम नहीं करता, मैंने ट्रेडिशनल आर्टवर्क करके दिखाया। ट्रेडिशनल आर्टवर्क आज मर्चेंडाइज पे लोग पहन रहे हैं, समझ रहे हैं तू, बहुत बड़ी चीज होती है। ट्रेडिशनल आर्टवर्क कोई करता नहीं, सभी डिजिटल के पीछे भागते हैं। मतलब लोग जो आर्टिस्ट है उनको क्या ये बात कर रहे हैं टाइम पास, लेकिन जो आर्टिस्ट है और जो उनको पता चल रहा है जो डिजिटल आर्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, वो समझ पा रहे कि ये इवन बंदा वो अभी मेरा पॉडकास्ट लैपटॉप या फिर पीसी पर ले रहा होगा आई गेस। बट मैं सही में बताता हूँ, मैंने भी सोचा था कि मैं डिजिटल आर्टवर्क करूंगा, मेरे पास तो आईपैड नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है। बट फिर मैंने ट्रेडिशनल आर्ट को डिजिटली में कन्वर्ट कर दिया थोड़ा, तो ये एक जॉनर ही बन गया है मेरा कि एज अ ट्रेडिशनल आर्ट बनाता है और डिजिटल बैकग्राउंड रखता है, तो ये एक मेरा इससे खुद मेरे का को एक जॉनर है। नया भाई आइडिया आया है, मैं अभी डिस्कस करना चाहता हूँ। इससे मेरे को एक आइडिया आया है, मैं अभी तक आईपैड पे ड्रॉ करता हूँ लेकिन मेरे को आइडिया आया है जिनके पास आईपैड नहीं है वो डिजिटल आर्ट कैसे करे। तो मैं आईपैड में भी एग्जैक्टली मेरे हमारे पास गरीबों खुद के का ही पास ऐप नहीं है। था, इवन मैं अभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता आईपैड, इवन लैपटॉप भी नहीं कर सकता, पर मैं सब कुछ कर रहा हूँ अभी भी, स्टिल डूइंग। तो भाई मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भी कोई आईपैड में अभी समझ रहे हो पुराना है, मतलब उसमें भी IBIS बेल्ट यूज करता हूँ जो मोबाइल में वही भी उसमें ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ स्क्रीन बड़ी है। तो अभी मैं लोगों को इंस्पायर करने के लिए मोबाइल में ट्राई करूंगा आर्ट। आपने बहुत हाँ, बड़ी आइडिया दिया है। ट्राई करके देख, ट्राई किया, ट्राई करना एक बहुत बड़ी चीज होती है, एक्सपेरिमेंट करना खुद के आर्ट वर्क्स को लेके ताकि वो लोगों को पसंद आता है या नहीं। और एक चीज बताना चाहूंगा, ये मैंने किसी को रिवील नहीं किया है बट मैं इस पॉडकास्ट पे करता हूँ, ठीक है। MC Stan के साथ भी आने वाला था, ठीक है, इवन उसने मुझे टेक्स्ट भी किया था। और वो जो मैंने मर्चेंडाइज बनाई थी ना MC Stan के लिए, तूने देखी होगी शायद, वो टीवी वाली ना। हाँ मैंने कस्टमाइज की थी बेसिकली वो मर्चेंडाइज ऐसी खुद के लिए, मतलब उसके ऑफिशियल मर्चेंडाइज नहीं थी, मैंने ऐसी खुद के तरफ से की थी उसके बर्थडे को। उसने एक्चुअली देखी वो मर्चेंडाइज, वो कस्टम हुडी देखी उसकी, और उसने रिएक्ट भी किया उस पर। ये था एक बहुत बड़ा सीक्रेट MC Stan का। उसको एक आर्टवर्क भी पसंद आया था मेरा, और उसने बोला भी था कि मुझे ये आर्टवर्क खरीदना है, वो भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था मेरे लिए। बहुत सही है। यस, अभी रिसेंटली आर्टवर्क भी देखा होगा तूने, विजय टीके रैपर के साथ आया था वो, कुछ बन बन है ना कुछ नाम। हाँ 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 नारबन नारबन, वो मैं इंस्टा पे देखता हूँ। हाँ, वो कबूतर वाला। हाँ उसके साथ खुल भी रहा मैंने है। काम किया, वो भी बड़ा ही आर्टिस्ट है हाँ। फिलहाल में। बहुत सही भाई। तो मेरे को यस भी कुछ तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके कोई थॉट्स बता दो हिप हॉप और आर्ट हिप हॉप कम्युनिटी पे, बस हिप हॉप और आर्ट दोनों पे, पहले आर्ट कम्युनिटी पे बता दो। हिप हॉप तो मैं इतना ज्यादा सुनता नहीं, बट मैं रैपर्स के साथ काम करता हूँ, क्योंकि अरे मैंने इतना लाइफ इतना हिप हॉप एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि मुझे बहुत से आर्टिस्ट पसंद नहीं है जो अभी टॉप पे है, जैसे क्या कृष्णा, मैं उसके गाने नहीं सुनता, इसलिए मैंने अभी तक उसका भाई, आर्ट नहीं बनाया। आप कृष्ण पसंद हाँ नहीं है भाई? नहीं यार भाई, उसके आप बहुत लिरिक्स कुछ थोड़े मिस से कर रहे यार हो। सर के ऊपर से जाते हैं मेरे, बट उसका जो यू नो व्हाट आई मीन बहुत अच्छा था वो गाना, मैं अभी भी सुनता हूँ, वो आपने नो बहुत कैप अच्छा था। सुना है? नो कैप सुना है? हाँ वो भी सुना है, वो भी अच्छा था, वो सब सारे सुने हैं मैंने गाने, बट मैं लूप पर नहीं सुनता, लूप पर बहुत कम आर्टिस्ट को सुनता हूँ आजकल, AP दिलीन को सुनता हूँ मैं। और उसका नया है ना अभी एक्सक्यूजेस, हाँ नहीं वो पुराना है रे, बट मैं अभी सुनता हूँ उसके सारे गाने सुनता हूँ, MC Stan के सुनता हूँ, लोका के सुनता हूँ, MAV के सुनता हूँ, रफ्तार के सुनता हूँ। तो यही मतलब था हिप हॉप और आर्ट, बट ये बहुत अलग अलग है, क्योंकि अभी हिप हॉप में जो है ना बड़े आर्टिस्ट सिर्फ एल्बम कवर्स जो एडिटेड है ना उनके खुद के फोटोज के जो कवर्स रहते हैं ना वो यूज करते हैं, ऐसे आर्ट वर्क यूज नहीं करते, आर्ट वर्क यूज करने वाले बहुत कम है। तो मुझे तो लगता है कि शायद आपने एक गेम साल बदल दिया है। एक या फिर 2 साल तो और लगेंगे आर्ट वर्क को एक्सप्लोर होने के लिए हिप हॉप कम्युनिटी में, वो बस आप ही कर सकते हो, और कोई आर्टिस्ट है ही नहीं शायद हु गॉट शायद नट्स फॉर कर सकता दैट। हूँ।
शायद कर सकता हूँ। नोबडी बस अभी आ जाओ, अभी बस आ जाएगा मेरा लैपटॉप वगैरह, करता हूँ फिर मैं चालू सब कुछ, फाड़ूंगा इस साल। याद रख भाई, इस साल फटने वाला हूँ। NFTs, बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ कोलैब आ रहे हैं, इवन यूट्यूब वीडियोस भी आएंगे, मजा आने वाला है, बहुत बहुत ज्यादा, बहुत सही। और एक हिंट दे देता हूँ तुझे, और एक हिंट दे देता हूँ तुझे, इस साल 3 मिलियन वाले बंदे के साथ भी कुछ कर रहा हूँ। 3 मिलियन, let's see who is that. Yes, let's see. 3 मिलियन देखते हैं। हाँ भाई, कृष्णा भी हो सकता है, कृष्णा भी हो सकता है। नहीं यार, कृष्णा तो अभी फिलहाल तो नहीं यार, जब मैं उसके गाने सुनना स्टार्ट करूंगा तब आर्ट वर्क बनाऊंगा उसके। पट्टा रिकॉर्ड से ही कोई लग रहा है मेरे को तो। लेट्स सी, अभी सब कुछ रिवील कर दूंगा तो कैसे। शेज या एक्सटेंसी? नहीं, एक्सटेंसी के साथ भी आएगा, एक्सटेंसी के साथ भी आएगा, देखना एक दिन हुई है हमारी बात। हिट जोन के साथ भी आएगा यार, अभी तो ये हिप हॉप सीन में बहुत कुछ गलत भी चल रहा है। हिप हॉप सीन में गलत ही चलता है रे, कुछ अच्छा होता ही नहीं, कोई अपने आर्ट पे फोकस ही नहीं करता है हिप हॉप में, आर्टिस्ट लोग आर्ट पे फोकस ही नहीं करते। अगर आपको पता हो तो 90s हिप हॉप बहुत सही था, अभी का हिप हॉप से अभी तो मर्डर्स होते थे रे, वो तो बहुत ही सही था मेरे लिए। वेस्ट वर्सेस रेड, क्राइम्स वर्सेस कुछ था ना वो, ब्लड एंड एवरी नॉन इंडियन, दिस इज इमेच्योर, वी डोंट हैव नो इंटेंशंस टू हर्ट एनीबॉडी। वो आ रहे स्टैंड ला रहा है ना वो सीन। हाँ, वो इंडिया में भी होने वाला है ना, चालू हो गया। मर्डर तो नहीं होंगे, मर्डर तो नहीं होंगे, बट स्टैंड लाने की सोच रहा है, लाएगा वो एक स्टैंड। गेम बदल देगा ये लड़का, में कुछ है ये लड़का बहुत क्रेजी है, उसके साथ भी मुझे काम करना है भाई, वो एक मेरा सपना है ऑनेस्टली बताओ तो। मैंने उसको कुछ बहुत पहले डिस्कवर किया था, तब से वो ऐसा ही है। पहले तो मैंने उसको सोचा कि यार क्या है क्या है, थंबनेल देख के मैं उसको इग्नोर करता रहा। मैं भी से मैं बहुत हेट देता था उससे, फिर मैंने उसके गाने सुनना चालू किए, फिर भाई बोला ओ यार भाई मुझे माफ कर दे, मैंने भाई गलती करी थी, तुझे गाली देकर सॉरी, मैं तुझे अभी रोज सुनूंगा। अभी मेरा टॉप आर्टिस्ट में आता है वो, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है वो। तो भाई अभी आप इसका टाइटल बता दो पॉडकास्ट का। क्या बताया, नॉटी नॉटी चैट्स विद इंडियन विलन नॉटी डॉग्स। तू रख भाई कुछ भी। हाँ, सोचता हूँ कुछ हिप हॉप टाइप का। और क्या है, और क्वेश्चंस? हाँ भाई, तो हाउ यू गेट सो मच कमीशंस, मतलब इतने सारे मिलते कैसे भाई? उसके लिए अच्छे कॉन्टैक्ट्स होने जरूरी है तेरे। कॉन्टैक्ट्स कब बनेंगे? जब तू किसी के लिए काम करेगा, फिर किसके लिए काम करेगा? मतलब आपने बोला तो मेरे को ऐसे समझ में आ रहा है, मेरे को ये सब चालू करना हो तो पहले फ्री में काम कर चालू करना पड़ेगा। वैसा भी समझ ले तो, मैंने फ्री में भी काम किए, बट फ्री में सबके साथ नहीं करना। सब जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, किसी बड़े आर्टिस्ट के साथ मैंने फ्री में काम किया, उससे मैंने क्रेडिट्स लिए, फिर उसके वजह से मुझे 4 कमीशन आए, फिर वैसे हो गया ना, फिर 4 कमीशन आए, फिर उनके वजह से मुझे और आए, फिर और आते गए। इवन बड़े आर्टिस्ट के सामने भी मेरी रिस्पेक्ट थोड़ी सी ऊपर हो गई, उसके वजह से मुझे हिप हॉप में जानने लगे लोग। सही टाइम पे सही काम किया है। हिप हॉप के वजह से मैं यहाँ पे वैसा समझ, क्योंकि हिप हॉप से ज्यादा एक्सप्लोर हुआ हूँ यार मैं। जो हिप हॉप को सुनते हैं ना, उनके वजह से मुझे बहुत सपोर्ट मिला है, फैन पेजेस के वजह से बहुत सपोर्ट मिला है। इवन पता है क्या, हम क्या करते हैं गलती, हम आर्टिस्ट पता है इंडिया में कितने लाखों आर्टिस्ट है जो डूडल्स बनाते होंगे, बट वो एक्सप्लोर नहीं करते सही चीज, समझ रहे हैं, वो खुद के लिए बनाते हैं, बट थोड़ा सा दूसरों के लिए भी बनाओ तो तुम एक्सप्लोर होगे। एक बात बताना चाहता हूँ इंडियन वालों को, क्योंकि ये बुरो को कुछ उनका तो सब सेट ही है, मतलब तकलीफ हमें सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा है, इसमें हिंदी में बोलूंगा सब इस बात। तो देखो, जो भी इंडियन देख रहा है, आप लोग ना कोई भी चीज नई स्टार्ट करने आओ ना, तो थर्ड पर्सन व्यू से उसको देखो, ऐसे मत सोचो कि कोई इंडियन क्या देखेगा, ऐसे सोचो थर्ड पर्सन व्यू से, वरना आप अपनी तरह कैसे देखोगे ना, तो आपको क्रिंज लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा, exactly. और आप छोड़ दोगे उसे।
हम यही सोचते हैं कि दूसरों के सामने अच्छा दिखना है, उनको अच्छा दिखना चाहिए, बट हमें जो अच्छा लगता है ना हम वो करें ना, फिर दूसरों को भी अच्छा लगता है वो चीज़, भले हमारे लिए वो बहुत अच्छी होगी, दूसरों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, ऐसा मैंने देखा है। जैसे मैंने अभी रिसेंटली जो आर्ट वर्क बनाया था ना विजय डीके का, वो मेरे खुद के कंसेप्ट नहीं थे, वो उसने बताए थे मुझे, मैंने वैसे का वैसे बना दिया, बट मैं उससे टोटली सेटिस्फाई नहीं था, बट वो जो लोगों ने उस पर प्यार दिखाया ना, मैंने जो बोला ना मुझे अच्छा लगा थोड़ा सा, बट बाकी लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, उन्होंने उस पर बहुत क्रेजी सपोर्ट दिखाया। बहुत सही भाई। हाँ वही चीज मैं समझाना चाहता हूँ इंडियन आर्टिस्ट को, वही गलती करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं ये शाउट आउट्स के पीछे भागते हैं, ये लाइक्स के पीछे भागते हैं, कमेंट्स के पीछे भागते हैं, ये तो शाउट आउट फॉर शाउट आउट खेलते हैं स्टोरीज पर। मैं बहुत सारे आर्टिस्ट देखता हूँ, मैंने आज तक किसी को शाउट आउट नहीं दिया और ना ही मांगा है, क्योंकि मुझे पता है शाउट आउट से कुछ फायदा नहीं होता है, कुछ भी फायदा नहीं होता है, बंदा स्टोरी देख के सरक जाता है, वो बैक चले जाएगा, वो आर्ट वर्क पे क्लिक नहीं करेगा, क्योंकि आर्ट वर्क उसने देख लिया है ऑलरेडी, वो लाइक करने नहीं जाएगा उस पर, तो तुम्हारी एंगेजमेंट कहाँ बढ़ी, बड़ी ही नहीं ना तुम्हारे एंगेजमेंट का। तो ये मैं समझाना चाहता हूँ, लोग मुझे ये बोलते हैं कि भाई मेरी रीच डेड हो गई है, तो मेरा एक आर्ट वर्क शेयर कर दे स्टोरी पे। मैंने बोला भाई इससे कुछ फायदा ही नहीं होता, तो मैं क्यों करूँ शेयर, और मुझे पता है मेरी मेरी खुद पब्लिक की, क्या पसंद है, समझ रहा है। और एक बार बताना चाहता हूँ, मेरी खुद की ऑडियंस डेड है, फिर भी कोई मोटिवेट होने की बात नहीं है, जो कर रहे हो करते रहो, मचाते रहो, कोई वही डरने तो वाली बोल रहा चीज हूँ, नहीं है ये। इवन मेरी भी तो रीच डेड ही थी बहुत मेहनत से, मेरी फिर मैंने मेरी रीच वापस इतनी लाई। डेड है, मैंने अभी जो आर्ट वर्क बनाया ना उसमें मैंने कुछ 3-4 घंटे पहले डाला था ये आर्ट वर्क ना, घंटा ही हुआ, 1 घंटा पहले ही डाला है, उसमें अभी तक सिर्फ 18 लाइक, 19 लाइक का है, उससे पहले 40 और उससे पहले सीधे 400 लाइक है। हाँ भाई वही तो। और ये पता नहीं आर्टिस्ट लोग क्या करते हैं, मतलब आर्टिस्ट की बात करूँ, मैं तो हिप हॉप कम्युनिटी का वो लाइक मेरी किसी तो रैपर्स का बना इतनी दिया मैंने, और मैंने टैग कर दिया रैपर्स को और उसके फैन पेजेस को, बट ये जो मैंने आर्टिस्ट देखे ना वो ढेरों आर्टिस्ट को टैग करते हैं, कुछ कुछ तो इग्नोर भी कर देते हैं, भाई उनको टैग ही मत करो ना तुम लोग, तुम ऐसा मोटिव बनाओ खुद का कि वो खुद आने चाहिए और तुम्हें फॉलो करने चाहिए। मैंने तो वैसे ही बनाया था, इवन वो बहुत बार हुआ भी है मेरे से। मतलब अभी ये पर्सनल क्वेश्चन है, आपके घर वालों को पता है आपको इतने सारे कमीशन आते हैं, वो सपोर्ट करते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है तूने इस पॉडकास्ट का। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरे घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज में, बहुत, मतलब तू ऐसा समझ घर वाले भी बहुत मैटर करते हैं इस फील्ड में। अगर घर वाले सपोर्टिव नहीं रहे ना, बच्चे में कितनी भी क्रिएटिविटी रहे, बच्चे में कितनी भी क्रिएटिविटी रहे ना, वो नहीं जा सकता सामने, ये मैंने बहुत देखा है। तो घर वालों का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मुझे मिलता है, और मुझे कमीशंस भी मिलते हैं, पैसा सब उनके अकाउंट में जाता है, क्योंकि मैं तो बच्चा हूँ 18 साल का, मेरे पास तो 18 है साल नहीं का बच्चा एटीएम। नहीं होता भाई। उनके लिए तो बच्चा होता, मेरे को फाइनेंशियली थोड़ा ना समझता है, कुछ फाइनेंस नहीं समझता है ना मुझे, तो पैसे मैं उनको देता हूँ बट वो मुझे दे देते फिर एटीएम से निकाल के, फिर वो मैं पैसे सेम इन्वेस्ट सेम करता हूँ अपने मार्कर्स पे। मैंने अभी मार्कर्स खरीदे, मैंने कितने के यार, 4,000 के मार्कर्स खरीदे मैंने, कमीशन के जो पैसे कौन थे से आए वाले थे लिए? वो लिए मैंने, ब्रश एक सौ वाले? बीस वाला सेट मैंने अपग्रेड कर दिया थोड़ा सा, 120? मेरे पास वो कुछ, खुद के पैसों से किए मैंने। मैंने 3 साल इतनी बचाई है ना पैसे, अभी मेरे पास कुल 136 मार्कर्स है। हाँ क्या अच्छा है हाँ, ना भाई। 48 टच कुल के, 48 ओहू के और 40 ओहू के ही, एक ब्रश नीब है और एक बुलेट यार वाले है। भले तेरे कलर्स डिपेंड नहीं करते यार इन सब चीजों में, मैटर नहीं करते, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट कैसे आता है पता है क्या, कलर्स कोई भी रहो उसको अगर तू अच्छे से ब्लेंड करेगा, अच्छे कलर कॉम्बिनेशन यूज करेगा, अच्छी उसकी फोटो खींचेगा और उसको एडिट करेगा, ये बहुत मैटर करता है। और और एक और बाकी के बात, लोग देखते हो कि बहुत ऐसे मतलब कचरा कर डालते हैं यार आर्टवर्क का, उससे वो अट्रैक्टिव ही नहीं लगता। लेकिन भाई अब मैं ना थोड़ा ये डूडल से परेशान हो गया हूँ, इसलिए मैं नए नए मीडियम्स ट्राई कर रहा हूँ। मैं डिजिटल ट्राई किया, बाद में ये इंकटोबर वाला इंक मीडियम ट्राई किया, और ये इलस्ट्रेशन बना देना, वैसे मैंने अपने मम्मी पापा का बनाया, और अब ये भगवान बोल रहा हूँ, भगवान ड्रॉ कर रहा हूँ। सही कर रहा है आपको डूडल्स। भेजा है हाँ डूडल्स के मैंने, अलावा भी बहुत कुछ कर सकता है, टूट रहा है ऐसा मैं मैंने बोलता हूँ। आपको भी भेजा, आपने देखा? ये भी बहुत अच्छा है, सही में मुझे पसंद है, ये मैंने आईपैड में बनाया, लेकिन मोबाइल जैसा ही है, कोई बात नहीं भाई। बहुत सिक लग रहा है ये ऑनेस्टली। और अब से मैं क्या करूंगा कि लोगों को, ये आपने आइडिया बहुत सही दे दिया मेरे को, अब मैं मोबाइल में बनाऊंगा।
व्हाट आर द डिफिकल्टीज ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट इन इंडिया? बहुत सारी डिफिकल्टीज है जैसे मैंने फेस की है. बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, गाली देते मुझे, पता नहीं रीजन नहीं पता मुझे गाली क्यों देते, बट देते. और गाली देने से होता क्या है, कोई सामने वाला बंदा डीमोटिवेट हो जाता है. भले ही मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हार्टलेस हो थोड़ा सा, सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है मेरे बारे में, बट कोई आर्टिस्ट डीमोटिवेट हो जाते हैं. बहुत सारे आर्टिस्ट डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो हाँ तो वो सब डिफिकल्टीज ही बोल सकते हैं. और बहुत सारे लोग आते हैं तुम्हारी आर्ट की रिस्पेक्ट नहीं करते या फिर तुम्हें हेट कमेंट्स देंगे. और एक चीज है, बहुत से लोग तुम्हें फ्री में आर्ट वर्क मांगेंगे, फ्री में आर्ट वर्क बना के दे, ये तो रहता ही है. हाँ फ्री में बहुत रहते हैं यार, इवन वो फ्री वाले जो रहते हैं ना वो हमारे टाइम एफर्ट कुछ किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जो कि करनी चाहिए. मतलब एक बात है, मतलब आप ऐसे बहुत आर्टिस्ट होते हैं जब अपने फॉलोवर्स को ड्रॉ करते हैं उनको आप बेशक बोलो कि आप हमको ड्रॉ कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें टाइम वेस्ट होता है. अगर वही टाइम तो किसी और चीज में इन्वेस्ट करेगा अच्छी, जो ते को लगता है कि वो ग्रो होगी उसमें, लाइक्स इस पे आएंगे, लाइक्स और व्यूज इस पे लाइक्स आएंगे. नहीं मैं लाइक्स की नहीं सोचता इतना, सही में बोल रहा हूँ, मैं लाइक्स की नहीं सोचता, मैं आर्ट पे फोकस करता हूँ, क्वालिटी कंटेंट देने की सोचता हूँ. और लॉन्ग टर्म सोचते हो वो भी है, लॉन्ग टर्म सोचता हूँ. इवन मैं अभी ऐसा बोल सकता हूँ कि एक साल में मैंने जितना कुछ सीखा है, एक्सपीरियंस किया है और ग्रो भी हुआ हूँ, तुझे भी पता है बहुत ग्रो हो गया हूँ. आर्टिस्ट को सालों लग जाते हैं, बट मार्केटिंग और किस चीज में क्या हो सकता है अपना, और ये चीज ड्रॉ की मैंने तो ये कहाँ तक जा सकती है, तो ये भी बहुत मैटर करता है. तो सही कॉन्टेंट है. तो हाउ टू ड्रॉ रैपर्स, पर्सनल क्वेश्चन बाय द वे. How to draw rappers? पहले उसकी वाइब चेक करो, वो रैपर किस टाइप के सॉन्ग्स लिखता है, वो कैसे रहता है. वाइब बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, बाकी सबके लिए इम्पोर्टेंट है वाइब. अगर भाई वो सैड सॉन्ग्स लिखता है और तुम उसका बना रहे हो हार्ड कोर टाइप का आर्ट वर्क, तो क्या बोलेगा, आर्ट वर्क गाली दे देगा, वो ब्लॉक कर देगा तुम्हें सामने से. तो जैसी वाइब है उसको वैसे बनाओ, ऐसा मैं मानता हूँ. और इंस्पिरेशन लो, इंस्पिरेशन माने उसकी कोई अच्छी जो तुम्हें पिक पसंद आई, उसकी फोटो जो पसंद आई, उसका स्क्रीनशॉट लो और उसके जैसे बनाने का ट्राई करो और खुद के भी एलिमेंट्स डालो उसमें. और बेसिकली मैंने आर्ट वर्क्स नहीं किया, ह्यूमन टाइप के नहीं रखे, थोड़े से इमो टाइप के रखे हैं मैंने, कार्टूनिस्ट इमो टाइप के रखे हैं, लाइक टोटली डूडल्स नहीं है वो. तुझे पता है डूडल्स क्या रहता है एक्चुअली? तो मतलब आप अपने कैरेक्टर्स को, मतलब कैसे बोलूं, अपने एलिमेंट्स आप मतलब ये लेते कैसे हो, आपको आइडिया कहाँ से आता है कि ये इस तरह को कंपोजिशन कैसे? मैं ये देखता हूँ, हाँ मैं ये देखता हूँ कि उस रैपर ने क्या पहना है पहली बात. अगर उसने बहुत सारे चेन्स पहने होंगे गले में तो वो मैं डाल देता हूँ, फिर खुद से भी एलिमेंट्स डालता हूँ जो कट कर देना. और भाई थैंक यू यार, आप बड़े आर्टिस्ट हो भाई. आ गया मैं, मुझे बड़ा आर्टिस्ट में मानता ही नहीं यार खुद को, सबसे बात करता हूँ मैं. तेरा मैसेज आया मैंने तेको भी रिप्लाई दिया, इवन पॉडकास्ट पे भी मैं आ गया. मैंने तेको ये नहीं बोला कि नहीं भाई मुझे टाइम नहीं है, आज नहीं कल करते परसों करते, आ गया ना फट से, टाइम निकाला ना तेरे लिए. भाई गर्लफ्रेंड के लिए नहीं निकालता, तेरे लिए निकाला मैंने. बड़ी बात है. डिजाइनिंग के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, VFX एनिमेशन, क्योंकि यार इंजीनियरिंग करके क्या उखाड़ लूंगा मैं. इंजीनियरिंग डॉक्टर ये सब नहीं हो रहा, ये सब होगा भी नहीं मेरे से, इसलिए मैंने कुछ अच्छी फील्ड चूज की जो यूजुअली लोग करते नहीं है. तो ये मैंने चूज किया एनिमेशन और VFX के लिए मैं अप्लाई करूंगा.
मतलब आपके आर्ट में क्या फ्यूचर प्लान्स है? आर्ट में भी, और हाँ मैं यूट्यूब भी चालू रखूंगा, यूट्यूब पे मैं ग्रो होऊंगा, मतलब डालते रहूंगा वीडियोस वगैरह। यूट्यूब में कभी बंद नहीं करूंगा ऐसा समझ ले, बंद भी हो जाएगा ना तभी मैं इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह ये सब चालू रखूंगा। नहीं बंद होगा तो वीपीएन से वापरेंगे। नहीं नहीं ये सब चालू रखूंगा मैं, ऐसे बंद नहीं होने दूंगा। एक साल की मेहनत है यार, लोगों को 2 साल लग जाते इतना 800 सब्सक्राइबर्स लेने के लिए, बट एक साल में कमाया तो बंद नहीं कर सकता। ऑडियंस है एक, है ना, लोग राह देखते इंडियन डूडलर का वीडियो कब आ रहा है। और उनको क्या पता कि 12th में फंसा हुआ है वो। ये पॉडकास्ट ही क्लियर हो जाएगा। अच्छा पॉडकास्ट है लेकिन लोगों को इंटरेस्ट आएगा तो आएगा आएगा देखना, भले लोगों ने देखा नहीं होगा बट आएगा बोल तो। तो भाई अभी आप ये रैपर्स बना रहे हो, रैपर्स के कमीशंस और वो, तो आप अपना भी कुछ रैप बनाओ। हाँ सोचूंगा इसके बारे में, और फिर उसके लिए भाई कृष्णा के पास जाना पड़ेगा मुझे। लिरिकली थोड़ा सा मैं भी वीक हूँ, है ना, कृष्णा के पास जाना पड़ेगा और रैप सीखना पड़ेगा, लिरिक्स सीखने पड़ेंगे थोड़े से। बट गारंटी दे सकता हूँ साल कुछ मिलूंगा मैं किसी से तो भी। भाई मैंने एक रैप लिखा है, सुना मुझे। हर पास्ट वर्स और सैलरी, हर प्रेजेंट इज नॉट अ जेलसी, शी कैरीज आउट हर लेगेसी, हर वॉइस कैरीज मेलोडी, हर पर्सनल ट्रैक्स वेंट टू शी, शी बॉन्ड हर सेल्फ एवरली, शी कैन कीप अप स्टेडीली। बस बस मतलब पूरा ऐसे खाना है। अब मेरे को एक बात बताइए, किसके लिए लिखा है तूने? ऐसे ही नहीं, कोई तो भी है तूने किसके लिए तो भी लिखा है ना भाई। अरे अरे सक लौंडे ही ज्यादा पिघलते हैं, याद रखना। ना भाई ना, मतलब ये मेरे एक दोस्त के साथ गाना बनाया है, जोक सोसाइटी। बहुत अच्छा है गाना, सही लगा मुझे, लाइक राइम्स और फ्लो, बस अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक जोड़ लेता हूं। बन अच्छा गया गाना पूरा, आ गया गाना, बन गया गया। रुको आपको इंस्टा पे भेजता हूं। सो टेल मी 3 टिप्स अबाउट मी। समझा नहीं मैं, मेरे बारे में कोई 3 टिप्स दे दो मेरे लिए। इंग्लिश ज्यादा इंग्लिश मत झाड़ भाई तू। अरे यार मुझे समझती है, मुझे समझती है, बट अभी मतलब कि प्रोनाउंसिएशन नहीं समझती इतने, मतलब समझ रहे ना, तेरे प्रोनाउंस अलग है मेरे। ज्यादातर बात इंग्लिश में करता हूँ। और हाँ क्योंकि मुझे साउथ का लग रहा है तू। ना ना गुजरात का। हाँ वही थोड़ा सा वैसे लग रहा है, कोई नहीं कट कर दे। हाँ बोल तू वापस। तो आपके 3 टिप्स फॉर मी, मेरे लिए 3 टिप्स दे दो भाई। तू बहुत अच्छा बंदा लगा मुझे, मैंने पहली बार इतना लंबा कन्वर्सेशन किया है तेरे साथ। मुझे ऐसा तेरे में मतलब दिखा मुझे कि तू कर सकता है, जैसे तूने पॉडकास्ट का आइडिया निकाला जो कि बहुत कम आर्टिस्ट में आता है ये सब आइडियाज, है ना। और तेरे आर्टवर्क्स भी देखे मैंने, तेरे में है वो हुनर है मैंने देखा, तो तू कर सकता है बहुत कुछ सामने में। थैंक यू भाई। तो पहले मैं टिप तुझे ये दूंगा कि तू क्वालिटी अच्छी कर अपने आर्ट की, अच्छा क्वालिटी कंटेंट दे लोगों को। मंजे मतलब तू अच्छा आर्टवर्क्स बना, ठीक है बहुत सिक बना आर्टवर्क्स, और क्वालिटी दे। क्वालिटी मतलब कि वो अच्छे होने चाहिए, पिक्सल्स उसके अच्छे होने चाहिए लोगों को देखने में, उसके डिटेल्स दिखनी चाहिए लोगों को, वो बहुत मैटर करता है, इवन कवर आर्ट्स में भी बहुत मैटर करता है। तो डिटेल्स अच्छी चाहिए उस आर्टवर्क की, और लोगों को समझना चाहिए, जैसे कोई कंसेप्ट वाला आर्टवर्क बनाया तूने तो लोगों को वो समझना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तू उनको कमेंट सेक्शन में बता रहा है कि आर्टवर्क ऐसा है ऐसा है, ठीक है वो अभी तक नहीं हुआ भगवान की कृपा से। वही तो कंसेप्ट अगर आर्टवर्क बना रहा है तो ऐसे बनाना कि लोगों को समझ में आए, तो उसी को बोलते हैं क्वालिटी, वो बहुत मैटर करती है एक एज एन आर्टिस्ट मुझे लगता है। और सेकंड थिंग यही है, सेकंड टिप यही है कि भाई शाउट आउट के लिए कभी मत भागना,
आर्टवर्क बना के आर्टवर्क बनाते रहे तो शाउट आउट तेरे पीछे दौड़ेगा, इसकी गारंटी देता हूँ मैं। इवन मुझे भी दिन पहले कुछ भी नहीं आते थे, मेंशंस भी नहीं आते थे, आज मेरे रिक्वेस्ट में 10-15 पड़े आज के। तो ये मैं तुझे बता रहा हूँ फैक्ट, देख कि कभी शाउट आउट के पीछे मत भागना। और तीसरी टिप भी यही है कि रुक जा, मेरे को तीसरी टिप याद करने दे, कट कर देता हूँ। और थर्ड टिप यही है भाई, मचाते रहे, बहुत आगे जाएगा तू, बस छोड़ना मत ये, बस इतना ही बोलूंगा तुझे। तो दिस वाज आवर पॉडकास्ट विद इंडिया डूडलर, थैंक्स भाई फॉर कमिंग, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आपके साथ मेरा भी।